नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ साथियों, नया अपडेट एक है, आप लोगों को बताना जरूरी है। पहले मैं बता दूं, पहले सरकार ने, हालांकि 2030 उनका विजन अलग ही है, हर बार मैं बोलता हूँ, दुबई से भी ऊपर जो अच्छे अच्छे जो डेवलपमेंट है कंट्री का करने के लिए, तो सरकार अच्छे अच्छे नियम लेके आ रही है। लेकिन पहले एक बताया था, हवाला सिस्टम सऊदी सरकार ने बंद कर दिया। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा, उसमें क्या था कि भाई आप अपनी मन मर्जी से कहीं से भी, कौन सी कंपनी से भी आप जॉब चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनकी 7 से 8 कंडीशन थी, उन कंडीशनों के आधार पे आपको जॉब चेंज करना। ये नहीं कि इससे बस दिमाग में सेट हो गया इस कंपनी में काम नहीं करना, ऐसे नहीं होता। कुछ कंडीशन के आधार पे, शर्तों के आधार पे जॉब चेंज कर सकते थे। जी हाँ, लेकिन अभी आपको बता दूं, जनवरी में सरकार ने एक नया नियम और लागू कर दिया। भाई अगर आप इस नियम में गलती करते हैं तो बता दूं, 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना प्लस लाइफ टाइम के लिए सऊदी ब्लैकलिस्ट हो सकती हो। जी हाँ साथियों, क्या है ये नया नियम, जान लेते हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने, भाई देखिए, जो सऊदी की जो जवाजात है आपको मान सकते हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में मैं बता दूं, अगर आप किसी भी कंपनी में, कंपनी का मालिक कोई भी है, आप बिना उसको बताए, बिना बताए की बात आपको गौर करने है, या कोई काम बीच में छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से आप वापस हट गए और हट के भाग गए, जी हाँ साथियों, तो उस दौरान आपके ऊपर ग्रुप लग सकता है। जी हाँ, और ग्रुप लगता तो पहले तो क्या होता था कि ठीक है, आप भाग गए, पासपोर्ट कंपनी में पड़ा है, जब आना होता था तो 1 महीने 2 महीने जेल में रह के आ गए, ऐसा सिस्टम होता था। लेकिन अभी जब आप कंपनी को देखिए क्या होता है, उन्होंने भी कई फैसले जो सरकार लेती है सोच समझ के लेती है, हालांकि हमें गलत लग सकते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मनमर्जी आप भाग गए, कंपनी छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से हट गए, तो कंपनी को नुकसान होता है। ठीक है, अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो जो कफाला सिस्टम, उसके हिसाब से आप कंपनी छोड़ सकते हैं। अगर कंपनी गलत होगी तो कफाला सिस्टम से आपको वीजा चेंज कर दूसरी कंपनी में ऑप्शन है जाने का। लेकिन मनमर्जी अगर आप करते हो कि बस इतना ही काम करना है आपको, कोई बोलता है 1500 दे रहा है, वो बोलता है आजा 2000 दूंगा, तो आप कंपनी छोड़ छाड़ के भाग जाते हो, तो नुकसान तो होता है कंपनी को। तो उस दौरान आपके ऊपर हुरूप लग जाता है। हुरूप लगने का मतलब, पहले तो चल जाता था, अब 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना प्लस लाइफ टाइम के लिए ब्लैकलिस्ट हो गई। पहले 5 साल तक था कि 5 साल बाद दोबारा चले जाते, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला, तो इस बात को ध्यान आपको रखना जरूरी है। और अगर मान लीजिए आपको हुरूप हटा, आपको पता लग जाता है कि भाई आपके ऊपर हुरूप लग चुका है, क्योंकि जो इंसान गलती करता है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो जैसे आपको पता लगता है तो 15 दिन का, 15 डेज का आपके पास टाइम होता है कि आप हुरूप हटवा सकते हैं, एक तरह से समझौता करना। इंडिया में आपको पता है समझौता होता है, थाने में, पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट में, या फिर नॉर्मली में कोई बात हो जाती है तो उसका 2 आदमी बैठ के समझौता करवा देते हैं, मैटर खत्म हो जाता है। तो सेम यही पोजीशन है, समझौता कैसे होता है बता दूं, 15 दिन के अंदर आपको हुरूप हटवाना होता है। आप हुरूप कैसे हटवाओगे, आप जहां से भागे हो, समझ गए, आपको आप जहां से भागे हो वहीं आपको वापस जाना पड़ेगा, चाहे आपका मालिक हो चाहे आपकी कंपनी हो, और वहां जाके माफ कर दो जी गलती हो गई, अगर अपनी भाषा में बोले तो, कैसे भी पटाख दो के गलती माफी मांग मूंग के उसको राजी करके, उसके साथ आपको कहां जाना है, जवाजात जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एक अप्लीकेशन देनी होगी। ये एक समझौता मान लीजिए, इंडिया में जैसे सेम होता है ना, भी समझौता हो गया दोनों पक्षों में, तो उस हिसाब से आपका हुरूप हट सकता है, वरना तो 50,000 जुर्माना प्लस आपका लाइफ टाइम ब्लैकलिस्ट सऊदी हो सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके माइंड में फिर भी ये बातें नहीं घुसती है कि नहीं यार ये गलत है, तो आपको तो कंपनी छोड़नी है, तो बेस्ट ऑप्शन है भाई, कंपनी को आप रिजाइन दो, कुछ भी लगाओ, आप एग्जिट लगाओ, फलाना ढिमका जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सब कर करा के रिक्वेस्ट करो, कंपनी में काम बंद कर दो, काम पे जाओ मत। आपको पता है जो लोग है इंडिया आने की सोचते हैं ना, वो ऐसे को सब तिकड़मबाजी कर लेते हैं, उस आधार पे कंपनी आपको फिर इंडिया भेज देती है, तो आप इंडिया आ जाओ, आपको कम से कम जुर्माने से बच जाओगे प्लस लाइफ टाइम ब्लैकलिस्ट होने से बच जाओगे। हाँ, बीच में आते हो तो आप 1 साल 2 साल बाद में दोबारा अप्लाई कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके पास मुझे ठीक लगा, बाकी कोई गलती मत करना भाई। 50,000 रियाल बहुत होता है, आप 2 से 3 साल लग जाते हैं आपको 50,000 रियाल कमाने के लिए, पहले तो भागोगे, फिर वो चुकाओगे, नहीं चुकाओगे तो जेल में जाना पड़ेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये गलती न करें, हमेशा के लिए ध्यान रखें, और लोगों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।